परमात्मा सर्वत्र और सब में समान भाव से व्याप्त है, किंतु उसकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। व्यापक ब्रह्म को भाव के कारण व्यक्ति बना लेना, इसी का नाम भक्ति है। जैसे आप एक हैं पर संबंधों में अनेक हैं, अजग विचार करना, आप तो एक ही हैं, दो तो नहीं हैं। क्यों भाई, आप एक हैं कि नहीं? यह सत्य है कि आप एक हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि आप पिता के आगे पुत्र हैं, पुत्र के आगे पिता हैं, चाचा के आगे भतीजा, भतीजा के आगे चाचा, पत्नी के आगे पति, बहन के आगे भाई। तो अनेक हो गए कि नहीं? अच्छा, ये अनेक बनने के बाद भी आप जो एक हो वह बने रहते हो कि नहीं? तो जैसे अनेक होने पर भी आपका एक होना बना रहता है, जैसे आप चाचा, मामा, ताऊ, पिता, पुत्र, भाई, पति अनेक बनने पर भी एक बने रहते हो, इसी तरह परमात्मा एक होकर भक्ति के कारण अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। पर अनेक होकर भी उसका एक होना बिगड़ता नहीं है। अच्छा, मिट्टी एक है, घड़ा, सकोरा, अनेक घड़े हैं, घड़े अनेक हो सकते हैं पर मिट्टी एक है। आभूषण अनेक हो सकते हैं पर सोना एक है। इसी तरह परमात्मा एक है पर भाव के कारण उसके रूप अनेक हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे तो कोई चीज खरीद लाना। ठीक है, पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। वह ये शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद आया, दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का, सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो और ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, कहा 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। अरे भाई चलो 10 रुपए में ही ले जाओ। तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते?
तो बोला मुफ्त दोगे तो दो ले जाऊंगा। अब बोलो छाते जैसी चीज उसे मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भाव के कारण जो दशरथ जी के पुत्र बने, वे ही विश्वामित्र जी के शिष्य। श्री राम ने